वो 2022 का सैलाब तो आप सबको याद है। मैं कई बार आपके पास खुद हाजिर हुआ, लोगों में एक मायूसी आ गई थी। जैसे बताया हमें बाहर के लोग आके कहते थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में मेरे साथ एक दिन थे, उन्होंने नीचे जब पानी देखा, इसलिए कि पूरा सिंध दरिया का नज़ारा पेश कर रहा था, तो उन्होंने तो मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, ये तो जैसे जाम खान ने कहा कि आपकी गंदम की फसल भी गई, आपकी अगली खरीफ भी गई। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला पे हमें भरोसा है, सिंध के लोग बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है, सिंध के लोगों की बड़ी हिम्मत है। और हुआ ये कि सिंध के लोगों ने, सिंध के आबादगारों ने, सिंध के हारियों ने एक रिकॉर्ड फसल दी गंदम की उस साल, फिर इस साल भी रिकॉर्ड फसल दी है गंदम की। इसके साथ साथ अभी हमें मसला हुआ सक्खर बराज पे, फिर से मैं जाम खान शोर और इरीगेशन डिपार्टमेंट से कहूँगा, जिस दिन दही से उन्होंने, मैं कहता हूँ कि अगर कोई और होती हुकूमत तो ये महीनों नहीं सालों का काम था, लेकिन दिनों में उसको मुकम्मल किया। और अभी हम आ रहे थे गाड़ी में, मीर गुलाम अली साहब ने मुबारकबाद भी दी जाम खान चोरों को।